10,000 टेट पास पारा शिक्षक राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज उनकी रणनीति बनी थी कि यह लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास का घेराव करेंगे, लेकिन राजधानी रांची में बारिश के कारण लोगों की रैली थी। अब यह है कि यह लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचाएंगे। मामला एक ही था, टेट पास सफल अध्यापक का संघ का एक ही मामला था, मूल मांग वेतन मांग, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी जनवरी में अधिकारियों संग बैठक बुलाने की बात कहते वेतन मांग के लिए, वही वेतन मांग के लिए हम लोग उनसे ध्यान आकृष्ट कराने आए थे माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम लोग को जाहिर मांग है, हमारी मांग को पूरा करें। हम लोग झारखंड के माटी से जुड़े हुए हैं, आप भी झारखंड के माटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम किससे आशा रखेंगे, क्योंकि हम लोग 2013 से टेट पास किए हुए हैं और साथी हमारे 2016 में भी पास किए। 2013 वाले साथी को आपने 2015 में 93,834 को वेतन मान के आपने सीधी नियुक्ति की, हम लोग उस नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार करते रहे कि अब होगा, नहीं हुआ। लगभग 7-8 साल के बाद आपने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली थोप देते हैं जिसमें न टेट पास 12 शिक्षकों के लिए वेतन मान वरीयता का लाभ है, न अनुभव का अंक का जिक्र है, न ग्रेस पास का मार्क है। बताइए हम लोग के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी जो कर रहे हैं, जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के रूप में खोप रहे हैं, इनका हम लोग खुले मन से विरोध करते हैं कि पहले हम लोग की जायज मांग को आप पूरा कीजिए, उसके बाद जैसे जो नियुक्ति करना है कीजिए, क्योंकि हम एक ही विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। जो हमारे बीच के साथी आज 93,734 का वेतन मान ले रहे हैं और उसी विद्यालय में हम लोग को 21,000-22,000 रुपया मिल रहा है, ये कुल्हन भरी जिंदगी अब हम लोग को बर्दाश्त से बाहर है, ये अन्याय है। हमारी न्याय करें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी। मुख्यमंत्री ने हम लोगों की बातों को नहीं माना है। हम लोगों को दिसंबर माह में उन्होंने बोला था कि हम लोग एक महीना के बाद आप लोगों के साथ बैठक करेंगे और आप लोगों को समायोजन करेंगे और पूर्ण वेतनमान टेट पास सफल सहायक अध्यापकों को देंगे, पर हम लोगों ने 9 महीना इंतजार करने के बाद सरकार के पास हम लोगों ने धावा बोला है, हम लोगों ने राजभवन के पास धरना दिया है ताकि हमारी मांगों को पूरा करें। हम सारी अर्हता को पूरा करते हैं और हमें वेतनमान दिया जाए। देखिए हम लोग जो है अभी सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जो सरकार हमारे लिए लेके आई है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वो नियमावली पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। पहला बात जो उसमें अंकित है वो ये कि लिखता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अरे भैया, आप जब स्थानीय नीति लागू कर दिए तो आप क्यों आमंत्रित कर रहे हैं अगर स्टेट को कि झारखंड में आके नौकरी करें। दूसरी बात, वेतन मान घटा दिया गया है। और तीसरी बात, हमें 7.5 घंटे का एग्जाम देना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है वो है कि सहायक आचार्य पे अभी हम नियुक्त होंगे और 10 साल बाद सहायक शिक्षक बनेंगे। सहायक शिक्षक यानी सरकारी शिक्षक, तो ऑलरेडी एक ही विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक कार्यरत है। पहला जो है सहायक शिक्षक जो सरकारी टीचर हुए, हम पारा टीचर को नाम दिया गया है, काम नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है सहायक अध्यापक। और तीसरी है सहायक आचार्य। तो भैया अगर हम ऑलरेडी 20 वर्षों से कार्यरत है अपने विद्यालयों में, बच्चों विद्यालय के बच्चों का भविष्य बढ़ने का कार्य किया है, उन्हें हम लोगों ने बहुत मेहनत झारखंड का साक्षरता दर पहले आप देखिएगा आज से 10 साल पहले तो 50% था, अभी 74-75% आ गया है। तो क्यों आया, पारा शिक्षकों का ये देन है। सरकार बोलती थी आप टेट पास करके आओ आपको हम सरकारी शिक्षक बना देंगे, वेतन मान देंगे। अरे हम टेट पास कर गए, आज हर क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी आप हमें वेतन मान से नदारद है। हमारी वार्ता 11 दिसंबर 2021 को हुई थी, उस माननीय शिक्षा मंत्री और विभागीय पदाधिकारी थे, उसमें ये बात बोला गया था कि 1 महीने के अंदर जो टेट पास हैं उनको हम वेतन मान देंगे, वेतन मान संबंधित वार्ता करेंगे। लेकिन तब से लेके आज 10वां महीना है, हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित देते रहे, मिलने का प्रयास करते रहे, उनके दरवाजे पे गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से नहीं मिले, ना ही शिक्षा मंत्री माने। अंततः हमको आज मजबूर किया गया है इस रांची की धरती में राजभवन में आके धरना प्रदर्शन करने का। अगर हमारी मांग 5 नवंबर तक नहीं मानी गई
हम लोग 15 नवंबर को जिस तरह से रंगवा सरकार को काला झंडा दिखाए थे उस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि उसका वजह है जब आप 1932 को लागू कर सकते हैं, पुरानी पेंशन जो पूरे भारतवर्ष में बंद हो चुकी है उसको आप लागू कर सकते हैं, तो पारा शिक्षक जो टेट पास है उनको वेतन मान क्यों नहीं दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि 9 जून की जो वार्ता हुई थी उसमें बोले थे कि आज हम रात भर बैठते हैं लेकिन टेट पास को जो टेट पास है उनको वेतन मान देंगे, हमारी नियमावली बनी हुई थी, तो रातों रात ऐसा क्या मजबूरी रही आपकी कि रातों रात वेतन मान संबंधित नियमावली गायब हो गया और हमको मानदेय का झुंझुना पकड़ा दिए आप। उस समय आपका जो महान विद्वान पदाधिकारी थे, महाधिवक्ता का राय था, एनसीईआरटी के सारे गाइडलाइन का पालन करते हैं, और अदर स्टेट में भी देखा जाए तो जो टेट पास है उनको सीधा समायोजन किया गया है। तो हमारा बस यही मांग है कि जो हमारा 50% आरक्षण है उसमें हमें सीधे समायोजन किया जाए, क्योंकि हम उस योग्य हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम सक्षम हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो आप हमें वेतन मान से वंचित क्यों कर रहे हैं। अभी सरकार चला रही है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही, अरे भैया हम 20 वर्ष से कार्यरत है, उनको आप जॉब दीजिए ना, हम अपना आपका वाहवाही करेंगे, आपका जय जयकार करेंगे, आपको फूलमाला से सम्मानित करेंगे, जिस तरह से आप बोलते हैं कि माटी की सरकार है, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ अन्याय है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हम लोगों को वेतन मान दीजिए, अन्यथा उग्र रूप आपको देखने को मिलेगा मोराबादी के मैदान में, वो भी 15 नवंबर को। मीना कुमारी, प्रदेश वार्ताकार सदस्य। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।